प्रखंड स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन आहूत किया गया, जिसमें सभा के राज्यभर के सभी प्रखंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पिछड़ों के तकरीबन 200 अलग अलग जातियों का इस प्रदेश के अंदर में प्रवास है और वर्तमान समय में उनके सामाजिक, राजनीतिक और राजनीतिक के अलावे आर्थिक और शैक्षणिक वातावरण पर चिंता जाहिर किया गया। जहां एक और इस पूरे व्यवस्था में पूरा ओबीसी समाज आरक्षण के मसले पर राज्य सरकार की दो सिफारिशें, आयोग की दो सिफारिशें और भारत सरकार के मानक मापदंड, निर्धारित मापदंड को सुनिश्चित कराने के सरकार के कमिटमेंट को इस महासभा के माध्यम से, संगठन के माध्यम से लगातार पिछले कई कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल इस विषय पर जोर दिया गया, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग रूप से सरकारों को संज्ञान में दिया गया। आपने देखा होगा कि पिछली बार इस प्रदेश के तकरीबन 10 लाख लोगों का एक मत पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को प्रेरित करके भेजा गया, वो केवल मुख्यमंत्री के संज्ञान के लिए था कि मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में सत्ता संभालने से पहले इस वर्ग को आश्वस्त किए थे कि जब सत्ता आएगी और प्रथम कैबिनेट पे हम बैठेंगे तो सर्वप्रथम इस समाज के राष्ट्रीय मानक को सुनिश्चित करेंगे। यह संभव ना हो पाया ना, इसकी चिंता इस सरकार को है। हम लोगों ने इस राज्य के सामाजिक और सांगठनिक रूप से समाज के सभी तबकों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करने का निर्णय लिया है। लंबे समय से संघर्षरत इस समाज के लोगों के बीच में जाना और उनके वर्तमान इन चार बिंदुओं के स्टेटस को भी आकलन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये कोई मांग नहीं है, अधिकार है। पहले कई लोग इसको समझने में भूल कर देते हैं कि कोई मांग नहीं, एक सामाजिक रूप से इस समाज को मिलने वाला निर्धारित कानूनन संवैधानिक अधिकार है और इसकी लड़ाई को बड़ा करने का निर्णय भी सभा ने लिया है। लोगों को एक सूत्र में बांधने का, उनको इस विषय से अवगत कराना और साथ में मिलकर निर्णायक लड़ाई की ओर क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ने का निर्णय पार्टी और सभा का है। आरक्षण मात्र सरकारी नौकरी में नहीं बल्कि गैर सरकारी संस्थाओं में भी सुनिश्चित करने का लिया है कि सरकार को उसका भी निर्णय लेना चाहिए। जिस रूप से निजीकरण का दौर आगे बढ़ रहा है,
उस अवस्था में, चाहे वो सरकारी नौकरी का हो, शैक्षणिक संस्थाने हो, वहाँ भी ऐसे वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। साथ ही साथ जातीय जनगणना, जिसको भारत सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने मांग किया, और अपेक्षाकृत अभी इस तरह का कोई निर्णय आया नहीं, तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। जैसा कि आपने अभी देखा कि मनरेगा के ऊपर भी, जहां लोगों के लिए रोजगार सृजन करने का हथियार बनाया गया था, उसमें भी अलग अलग कोटि के आरक्षण सुनिश्चित किए गए थे, और बाद में सरकार ने इस पर मूल्यांकन किया है, और जो सूचना हमें है कि उसमें सरकार बैक कर रही है, वापस आ रही है, पुरानी जो व्यवस्था थी उसी को लागू कर रहे हैं। तो उस तरह से फिर से जातीय जनगणना में भी सरकार पुनर्विचार करे, और मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि इस राज्य में सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, जब तक हम इस समाज के बारे में, समाज की संख्या के बारे में, समाज के हालात के बारे में अगर नहीं जानेंगे, तो बेहतर सेवा उस समाज को नहीं दे सकते, बेहतर अवसर नहीं दे सकते। इसलिए यह बड़ा आवश्यक है कि राज्य सरकार पहल करे कि अपने राज्य के अंदर ओबीसी की जनगणना कराए, ताकि सही रूप से उस राज्य के अंदर रहने वाले ये पूरे समाज को इन सभी विषयों का संरक्षण मिले। और साथ ही साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने महामहिम राज्यपाल जी को प्रेषित हर प्रखंड से कार्यक्रम और जिला स्तर पर कार्यक्रम करने का सुनिश्चित किया है, जिसकी तिथि आपको प्राप्त हो जाएगी। चूंकि सरकार के राजनीतिक कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रमों में शायद सरकारी कामकाज को बाधा पड़ता है, इसी प्रदेश में 40,000 लोग एक जगह खड़ा होकर क्रिकेट मैच देख सकते हैं, शायद राज्य की ये प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन अपने विषयों को लेकर हजारों लोग अपने किसी विषय को लेकर आगे बढ़ नहीं सकते हैं, किसी मांग को नहीं रख सकते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को सरकार तक नहीं पहुंचा सकते, ऐसी बंदिशें हैं। इन बंदिशों का और इन आदेशों के आसपास पूरे राज्य भर में इस विषय को पहुंचाने का, राज्य भर से इस मांग को गवर्नर के माध्यम से सरकार तक और भारत सरकार तक, राज्य सरकार तक पहुंचाने का कार्यक्रम भविष्य में तैयार करने का निर्णय आज सभा ने लिया है। बस सर, कल जो है कि आलोक दुबे ये कह रहे थे कि जो बीजेपी के जो विधायक शामिल थे जेपीएससी आंदोलन में, उसकी गिरफ्तारी जल्द की जाए, आप क्या कहेंगे? मैं किसी के आरोप में बोलने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। सुदेश जी, आपका प्रतिशत आरक्षण का 27 है डिमांड, कि 27% देना चाहिए पिछड़ो, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब आरक्षण का भी मूल्यांकन होना चाहिए, जैसा आपने कहा कि मनरेगा का मूल्यांकन के बाद सरकार वापस ले रही है आरक्षण मनरेगा? मैं आपको खाली ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं मांग नहीं कर रहा हूँ। पहले तो ये क्वेश्चन में ही हमको सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो ये आदत सी पड़ गई है। इतने बड़े संख्या में बसने वाले लोगों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया। ये देश याद हुआ आज़ादी के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो सुनिश्चित हुआ बाबा साहब का वो प्रयास, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग छूट गया था, और अंत में मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 91 में ये आरक्षण प्रारंभ होता है, वो भी बड़ा बंदिश के बीच में प्रारंभ हुआ है। सोचो कि आज हमारा 20 साल हो किया गया, फिर बाद में जाके ये समय के साथ कोर्ट में रुका, फिर इसके आगे इसकी दलील आगे नहीं बढ़ पाई। समय समय पर दलीय रूप से, राजनीतिक रूप से इसका पहल जरूर हुआ है, लेकिन इसका ठोस पहल होना है, क्योंकि ये बड़ी आबादी आरक्षण के उस मकसद से, जिस मकसद से आरक्षण सुनिश्चित किया गया था, वो मकसद से लंबे समय तक छूटा हुआ है। ये उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे, पहले तो मिले उसके बाद मूल्यांकन करेंगे। तो इस राज्य में क्या मानते हैं कि आप अगर कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के लिए पार्टी की शुरुआत किए,
कितनी प्रतिशत आबादी है कोई पूछेगा, आखिर सरकार कहेगी ना कि मैंने उसके लिए मापदंड आपसे कहा कि मैंने भारत सरकार से तो यही तो मांगा है कि आप ओबीसी को भी तैयार करिए, ओबीसी भी जनगणना करा लीजिए। मैंने अगर वो जनगणना सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, नहीं किए, तो मैं पुनरअपील करता हूँ, मैं राज्य सरकार से अपील करता हूँ अपने राज्य के अंदर बेहतर लोगों की सेवा देने के लिए और सभी लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस प्रदेश में एसटी एससी के अलावे ओबीसी का भी जनगणना होना चाहिए। जो अति पिछड़े पिछड़े लोग हैं उनकी जनगणना होनी चाहिए। सर, सत्ता में होते हुए भी ओबीसी आरक्षण का मांग कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सत्ता में होने के बावजूद इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं चिंता सब लोग करें अच्छी बात है, लेकिन चिंता केवल राजनीति के लिए तो ठीक नहीं। ये राज्य सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। मैं आऊंगा, मैं कुछ दिन बाद अभी कॉमन मीटिंग आपसे करूंगा, चूंकि शेष बचे हैं, शेष बहुत सारे मांग है इस प्रदेश के। सुन लीजिए, तो इसमें आप जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रहा है उससे पहले आप डिमांड करेंगे इसको? मैं इस 29 तारीख को सरकार 2 साल का वर्षगांठ मनाएगी। 2 साल वर्षगांठ इसलिए नहीं कि जो मैं अभी सुन रहा हूँ, मैं आऊंगा, मैं बोलूंगा, इसलिए नहीं कि 2 साल में जिला स्तर पर 15 फाइनेंस के और राज्य सरकार की कुछ योजनाओं शिलान्यास उद्घाटन और सामग्री वितरण के लिए नहीं, नीतिगत निर्णय के लिए। जितने नीतिगत विषयों पर वर्तमान सरकार में बैठे लोगों ने आलोचना की थी, उसमें उसके नीतिगत फैसले आने चाहिए। ये 2 साल बीत गया, 2 साल पर्याप्त होता है, और ये पर्याप्त ही उसने खुद से अपने आप को समय में बांधा था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद से। मैंने कोई दल ने उनसे ये नहीं कहा था कि आपने ये काम इतने दिन के अंदर करना है, लेकिन आपने अपने पब्लिक के बीच में एक पब्लिक डोमेन में खड़ा होकर आपने ये विश्वास दिलाया था। ये उम्मीद 2 साल के बाद लोग ये कर रहे हैं, और वो विश्वास को फिर से लोगों तक याद दिलाने के लिए मैं बहुत जल्द आपके बीच में आऊंगा। सरकार किस लिए 2 साल मनाएगी और किन कितना कदम सरकार चली है, ये सारे कदम का उल्लेख निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। क्या आसू पार्टी नहीं मानती झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, एक। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जो 10th और 12th को इन्होंने आधार बनाया है कि जो राज्य में बच्चे पास होंगे, वो उनका नीतिगत फैसला है, पार्टी का क्या स्टैंड है, वो नीतिगत जो फैसला वर्तमान सरकार ली है वो सही है या नहीं? क्या चीज? वही बच्चे यहाँ 3rd और 4th grade की नौकरी में भाग ले पाएंगे जो 10th और 12th झारखंड से किए हैं? नहीं, उन्होंने उनका ही पहला वचन था कि चूंकि पिछले जो चयन की प्रक्रिया बनाई गई, नीति बनाई गई, स्थानीय नीति बनाई गई, उसका उन्होंने विरोध किया, खुलकर विरोध किया। उस पर हम लोग ने भी वह चर्चा किया, हम लोग ने भी अपने दल के आधार पर सरकार को, वर्तमान तत्कालीन सरकार चौधरी की सरकार को भी अपना एक दिया था, इस राज्य में स्थानीय किस रूप से निर्धारित होंगे। उन्होंने हाँक हाँक कर अलग जगहों पर 1932 के खतियान अंतिम सर्वे, इन सब चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की थी। अब समय आ गया है नियोजन का, समय आ गया है स्थानीयता तय करने का। जब तक ये दोनों तय नहीं होंगे, तब तक आप नियोजन की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 30 दिन शेष है, 30 दिन में कोई करिश्मा निश्चित रूप से होगा, तब 5 लाख लोग की नौकरी होगी। हम उस करिश्मा का इंतजार कर रहे हैं, सबका जवाब दे देंगे समय पर। ठीक है।